हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो बहाली निकाला गया है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। इसी वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे, कब से कब तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, अप्लीकेशन फी क्या है, कितना पोस्टों में बहाली निकाला गया है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन से पोस्टों में बहाली निकाला गया है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 12/3/2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फिलअप होने के लिए, और 11/4/2024 तक इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। अप्लीकेशन फी की बात कर लें तो जनरल जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पे 1500 रुपया रखा गया है, और एस सी एस टी पी एच कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 0 रुपया यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए भी देखेंगे, जनरल के लिए जो है यहाँ पे जनरल अदर और यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पे 800 रुपये रखा गया है। SC ST PH कैंडिडेट फीमेल के लिए जो है यहाँ पे 0 रुपये रखा गया। इसकी एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर से रखा गया है, जो कि काउंट आपका किया जाएगा 11/4/2024 के अनुसार काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे 27 ईयर से रखा गया है। यहाँ पे एज रिलेक्शन का भी यहाँ पे दिया गया है, 27 से 35 ईयर से रखा गया है पोस्ट वाइज। इसमें इनमें जो देखेंगे कौन कौन से पोस्टों में बहाली निकाला गया और कितने पोस्टों में, कुल मिलाकर यहाँ पे 118 पोस्टों में बहाली निकाला गया है। और यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्टर के लिए जो है यहाँ पे 118 पोस्टों में यहाँ पे बहाली निकाला गया है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमी के लिए यहाँ पे 16 पोस्टों में बहाली निकाला गया है। असिस्टेंट सेक्रेटरी सिल्क एजुकेशन के लिए 8 पोस्टों पे बहाली निकाला गया है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 22 पदों पर बहाली निकाला गया है। अकाउंटेड ऑफिसर AO के लिए जो है यहाँ पे 3 पोस्टों में बहाली निकाला गया है। जूनियर इंजीनियरिंग ग्रुप बी के लिए 17 पोस्टों पे बहाली निकाला गया है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर JTO के लिए जो है 7 पोस्टों में बहाली निकाला गया है। अकाउंटेंट ग्रुप सी के लिए जो है 7 पोस्टों पर बहाली निकाला गया है। जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी के लिए 20 पदों पर बहाली निकाला गया है। तो इसका फॉर्म हम किस प्रकार फिलअप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो है बने रहे। तो चलिए, इतना इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो है नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमी ट्रेनिंग एंड सिल्क एजुकेशन से जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं उनको जो है इस लिंक पर क्लिक करना है। और उनके अलावा अदर पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ए लिंक दिया गया है, 2 लिंक दिया गया है। जिस जौन भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए यहाँ पे लिंक को सेलेक्ट करेंगे। तो हमें जो है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड एकेडमी ट्रेनिंग एंड सिल्क एजुकेशन में अप्लाई करना, तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है अगला इंटरफेस देखेंगे, इस प्रकार जो है खुल के आ जाइए। खुल के आ जाने के बाद जो है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देखेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस जो है इस प्रकार यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद फी आपको पेमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसेस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है देख सकते हैं इस प्रकार का आपका फॉर्म खुल के आ जाता है। यहाँ आने के बाद जो है आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले जो है आपको फर्स्ट नाम यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे फादर्स का नाम यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे जो है मदर्स का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पहले डे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे आपको, उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है, उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आप क्या देना चाहते हैं यहाँ पे आपको देख लेना है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स में देना चाहते हैं वो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या तो ड्राइविंग लाइसेंस यानी अदर गवर्नमेंट वैलिड फोटोग्राफर के साथ होना चाहिए, यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद जो है उस डॉक्यूमेंट्स नंबर, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स डालेंगे उस डॉक्यूमेंट्स नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस को फिल करना है, जो कि यहाँ पे हाउस नंबर है तो यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे 00 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोकेशन यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद यहाँ से लोकेशन डालेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे आपको कंट्री चुनना है, किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, उसके बाद जो यहाँ पे अपना स्टेट चूज करेंगे, कौन सा स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे अपना पिन कोड फिल करेंगे और एक ईमेल आईडी को फिल करेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी को, उसके बाद एक मोबाइल नंबर को डालेंगे और उसे भी कंफर्म करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेम प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है इसमें फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है, यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसके अनुसार आपको यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पे 8 से 13 अंक के बीच यहाँ पे आपका पासवर्ड होना चाहिए, जो कि एक अपर अक्षर में होना चाहिए, एक लोअर अक्षर में होना चाहिए, एक ही स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कुछ नंबरिकल होना चाहिए, और कुल मिलाकर जो है आपको यहाँ पे 8 अंक से का होना चाहिए। उसके बाद जो है उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। एक यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चुन लेना है, जो भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा वो यहाँ से उनका आंसर यहाँ पे देंगे। उसके बाद जो है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है यहाँ पे, उसके बाद जो है सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म का यहाँ पे रिव्यू आएगा, यहाँ पे इसे कट करना है, कट करने के बाद जो फॉर्म का यहाँ से प्रीव्यू आप मिला लेंगे, जो भी होगा अगर गलत है तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर एडिट आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ से आपको मिला लेना है सब फॉर्म को। उसके बाद जो है यहाँ पे सब सही है तो इस सभी वाले बॉक्स में सबको आपको टिक कर लेना है। इस प्रकार टिक करने के बाद जो है यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे और यहाँ पे फिर से यस करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है, तो जो भी ओटीपी है वो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है अगला इंटरफेस देखेंगे, हमारा जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, तो देख सकते हैं हमारा जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यहाँ से हमारा जो है यहाँ पे लॉगिन भी हो चुका है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे अगला इंटरफेस जो है इस प्रकार जो है खुल के आ जाएगा। आने के बाद जो है आपको यहाँ से अब पर्सनल डिटेल में आपको फिल करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी यहाँ पे फिल रजिस्ट्रेशन के वक्त फिल किए थे वो यहाँ पे ऑटो फिल मिलेगा, उसके बाद जो भी बचा है उसे फिल करना, तो आप यहाँ से नेशनलिटी को अपना सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करें उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हैं, यस या नो में यहाँ पे जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया क्या आप डिजेबिलिटी यानी विकलांग पर्सन है, यस या नो में जवाब देना है, तो यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद बोला गया यहाँ पे आर यू एक सर्विस मैन, आप एक सर्विस मैन हैं, यस या नो में जवाब देना है। उसके बाद आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ सीबीएसई बोर्ड से यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, यस या नो में यहाँ पे जवाब देना है। उसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस अपना सेलेक्ट करेंगे, सिंगल है, मैरिड है या डिस्कवर है, विंडोज है, जो भी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है फिर से यहाँ पे आपको कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी यहाँ पे कैप्चा है वो यहाँ पे फिल करने के बाद जो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, इसे फिर से यस करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे देख सकते हैं सही का टिक लग चुका है। अब यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको दर्शाना है। उसके बाद जो है किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपने यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे समझाना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे चुनना है, जो भी हो।
चुनने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन चॉइस करना है, जो फोर्थ चॉइस यहाँ पे दिया गया स्टेट और यहाँ पे अपना सिटी को, यहाँ से अपना चुन लेंगे। जहाँ भी आपको एग्जाम देने जाना है वो यहाँ से, हमारा जो बिहार स्टेट से हम बिलोंग कर रहे हैं तो बिहार स्टेट यहाँ से चुन लिए। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी यहाँ पे आपका सिटी आएगा वो यहाँ से, यहाँ पे बोला जा रहा है टू सिटी यानी एक में नहीं सेव करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं थर्ड में भी वही चुने, फोर्थ में भी वही चुने, तो देखते हैं होता है या नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे हम कैप्चा को फिल करेंगे, उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं हमारा जो एरर आ चुका है यहाँ पे, एक यानी एक सिटी आप बिहार में अगर यहाँ इससे कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही सिटी आपको जितना भी आ रहा है, यहाँ पे बिहार से हम कर रहे हैं तो एक ही सिटी आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमको जो है, यहाँ पे सबसे पहले हमको स्टेट भी चेंज करना होगा, तभी यहाँ पे हमारा जो है सिटी भी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे चार स्टेट को आपको चुनना है, जो भी आपको चुनना है वो यहाँ से चुनेंगे। तो इस प्रकार जो है हमने जो है चुन लिया है, चुनने के बाद जो है फिर से हम इस कैप्चा को यहाँ पे हम फिल करते हैं, उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुका है, तो यहाँ पे क्वालिफाई एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल यानी आप जो भी यहाँ पे एजुकेशन आप सेलेक्ट किए हैं वो पास है ना है, तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी यहाँ पे जब भी आप पास किए हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से कोर्स का यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी से आप किए हैं उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे रेगुलर या परसेंट या तो सीजीपीए में जो भी आपका नंबर है वो उसमें आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे खुल के आ चुका है। आने के बाद जो यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे कितना का आप एग्जाम दिए हैं, उसके बाद कितना मार्क्स आप लाए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपको परसेंट में दे दिया जाएगा। इसी प्रकार जो यहाँ पे बीएड क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पे आप पास हैं तो पास यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उनका जो है पासिंग ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो भी है वो यहाँ से आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स का नाम यहाँ पे लिखना है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है कहाँ से आप पास किए हैं। उसके बाद इसी प्रकार जो है यहाँ पे भी परसेंट एंड सीजीपीए में आपको सेलेक्ट कर लेना है रोल्स मोड को। उसके बाद जो है यहाँ पे वेट करेंगे, वेट करने के बाद जो यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे कितना का आप एग्जाम दिए थे बीएड में, उसके बाद कितना मार्क्स आप लाए थे, और यहाँ पे परसेंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से आपको कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से सेव एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है फिर से यहाँ पे एस करेंगे, एस करने के बाद जो है यहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हमारा जो क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिल हो चुका है। उसके बाद जो है नीट क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करना है, यस या नो में यहाँ पे जवाब देना है। यहाँ पे बोला गया है सीटेट क्वालिफाई है, यस या नो में यहाँ पे जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टरेट डिग्री डिटेल्स यहाँ पे यस या नो में यहाँ पे जवाब देना है। फिर से आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन का यहाँ पे कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी यहाँ पे कैप्चा होगा। उसके बाद जो है फिर से सेव एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से जो है यस करेंगे। यस करने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गलत बता रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर कैन नॉट प्रोसेस फर्दर या प्रोसेस नीट एंड सिटेट, प्लीज रीड योर एडवर्टाइजमेंट। तो फ्रेंड्स इनका जो है नीट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी इसका जो है आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जो है नीट का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको फिल करना होगा, अगर यहाँ पे ना किए हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद उनका रोल नंबर फिल करेंगे, कब पास किए वो यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट किए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। उसी प्रकार जो यहाँ पे इसका भी यहाँ पे यस करेंगे और उनका भी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, इसी प्रकार इनका भी यस करेंगे और इनका भी आपको डिटेल यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद जो यहाँ से आपको
10 से 200 केबी के बीच में आपको एक फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। करने के बाद जो यहाँ पे इस प्रकार जो है आपको एडजस्ट कर लेना है फोटो को। उसके बाद जो यहाँ पे डन करेंगे, डन करने के बाद जो यहाँ से फिर से आपको अपलोड करना है। इस प्रकार अपलोड यहाँ पे देखेंगे इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। इसी प्रकार आपको जो है एक सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना है। इसे भी आपको स्क्रॉल कर यहाँ पे फिट कर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर भी मेरा जो है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद जो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल करना है। उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से यस करेंगे। यस करने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे हमारा जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो भी होगा यहाँ से आपको फॉर्म का प्रीव्यू मिला लेना है। जो भी प्रीव्यू होगा यहाँ से मिलाने के बाद जो है नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो यहाँ पे सब सही है तो इस सभी वाले बॉक्स में इसमें आपको टिक करना है। इस प्रकार टिक करने के बाद जो है नीचे देखेंगे एग्री का ऑप्शन है तो एग्री करेंगे और यहाँ पे फाइनल सबमिट एप्लीकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। फिर से ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो यहाँ पे देखेंगे ईमेल वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ से फर्स्ट में हम ईमेल वेरीफाई कर लेते हैं जो भी यहाँ पे है। उसके बाद जो यहाँ पे हम बाई यहाँ पे कैप्चा को हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपके जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारा जो पिन है वो गलत बता दिया है तो यहाँ से हम फिर से हम कैप्चा को यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद फिर से हम सबमिट करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन यानी कि जो भी होगा वो यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। ईमेल आईडी वाला ओटीपी डालने के बाद जो है वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे योर ईमेल आईडी वेरीफाई और क्लिक है टू होम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो है हमारा हो चुका है वेरीफाई वेरीफाई दोनों। उसके बाद जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब अप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे फाइनल सबमिट का ऑप्शन है तो यहाँ से फिर से हम इसे कट करेंगे और यहाँ से नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद जो है सभी बॉक्स में उसी प्रकार आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो है एग्री करेंगे और फाइनल सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो है फाइनल सबमिट हो चुका है। यहाँ पे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ से आपको पेमेंट कर लेना है तो हमारा जो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद क्लिक है टू बैक करते हैं। बैक करने के बाद जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे आएंगे। आने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे व्यू पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद जो यहाँ पे एप्लीकेशन आपका है वो यहाँ पे तो आप लोग को यहाँ से आपको पेमेंट कर लेना है। हमारा जो यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे आप लोग पेमेंट कर कर यहाँ पे आपको रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।